हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, उस स्टॉक का नाम है लोरस लैब लिमिटेड कंपनी। ये जो कंपनी, इसको 2005 में बनाया गया था और ये शोध संचालित फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है ये, और इसमें ये अपनी ग्लोबल लीडरशिप को भी रखती है और इसने 6500 से भी अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है। और ये जो कंपनी है, ये जो ग्लोबल एजेंसी USFDA, WHO, जिनेवा, जापान, PDMA, UK, MHRA, EMA और TGA के द्वारा अप्रूव्ड इसकी जो 11 फैसिलिटीज हैं उनमें 1050 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बात है ये। तो बेसिक रूप से ये जो कंपनी है, जब भी कोई दवाई बनाई जाती है तो उसके ऊपर पहले काफ़ी रिसर्च किया जाता है। तो ये जो कंपनी है, ये वही रिसर्च करने का काम ये कंपनी करती है। उस रिसर्च करने के बाद ही कोई भी दवाई होती है उसको बनाया जाता है। ये जो कंपनी, इसका जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें सबसे पहले जो आता है वो सिंथेसिस आता है। इसे भी 42% का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। इसमें ये जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ होती हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट, विकास और जो मैन्युफैक्चरिंग की जो सुविधाएं होती हैं उनको देने का काम ये कंपनी करती है। और दूसरे नंबर पे आता है API, इससे ये 40% का रिवेन्यू जनरेट करती है। API यानी कि एंटी फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। तो इसमें ये जो API होता है इसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। ये जो उन्नत किस्म की API होते हैं उनको ये बाज़ार में ये उतारती है। इसमें जो ये कंपनी सर्विस ऑफर करती है वो एंटी रेट्रोवायरल हो गया, एंटी डायबिटिक हो गया, कार्डियो वैस्कुलर हो गया, प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया और ओनकोलॉजी हो गया। इसकी जो ये सर्विस होती है ये ऑफर करती है। और इसका जो बिजनेस का तीसरा सेगमेंट है वो है फिनिश डोज फॉर्मुलेशन। इससे ये 16% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और इसको नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उस मार्केट के लिए बनाया जाता है। और इसमें जो ये सर्विस ऊपर करती है वो एंटी रेट्रोवायरल हो गया, एंटी डायबिटीज हो गया, कार्डियो वस्कुलर हो गया, प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। इसकी जो ये सर्विस होती है ये ऊपर करती है। और इसका जो चौथा बिजनेस सेगमेंट है बायो, उससे ये 2% का रिवेन्यू जनरेट करती है। इसमें जो ये नवीन प्रोटीन कंपनियां होगी और जो बायो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको अपनी सेवाएं प्रदान करने का काम ये कंपनी करती है। इस कंपनी की विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हैदराबाद में स्थित है। इनमें से 5 में ये जो औषधि पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करता है और जो 6ठी यूनिट है उसमें औषधि पदार्थ हो गया और जो औषधि उत्पादन हो गया दोनों का निर्माण ये कंपनी करती है। का जो रिवेन्यू आता है 72% का इंडिया से आता है और इंडिया से बाहर ये 28% का जो रिवेन्यू है वो जनरेट करती है। तो ये तो था इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 22,354 करोड़ की है। इसका जो बानवी का है वो 606 रुपया है और जो लो है वो 279 रुपया है। इसकी जो बुक वैल्यू है 75.30 रुपया है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.49% की है। इसका जो ROCE है वो 22.2% का है और इसका जो ROE है वो 20.4% का है। इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी है वो 0.42% का है, यानी कि एक थोड़ा बहुत कर्जा भी है इसके ऊपर है। इसमें जो प्रमोटर है उनकी थोड़ी बहुत होल्डिंग 0.04% की जो होल्डिंग है, यानी कि एक नाम मात्र की जो होल्डिंग है वो प्लेज है। इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 2,106 करोड़ की हैं और इसकी जो टोटल एसेट है वो 6,958 करोड़ की है। और ये देखिए, ये जो कंपनी है एक बहुत ही अच्छी सेल्स करने लग रही है। इसकी जो सेल्स होती है वो लगभग 1100 करोड़ से ऊपर की ही होती है। मार्च 2023 में इसने 1,279 करोड़ की सेल्स की है। जून 2023 में इसने 1,108 करोड़ की सेल्स की है। इसकी जो अदर इनकम है वो भी क्वार्टर वाइज 7 करोड़ की, 6 करोड़ की, 3 करोड़ की ऐसे हो जाती है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ये देखिए 13 करोड़ का, 102 करोड़ का, 199 करोड़ का, 227 करोड़ का ऐसे हो जाता है। और इसके ऊपर जो कर्जा है अभी वो 1,714 करोड़ का है। इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है। 1,709 करोड़ हो गया, 2,605 करोड़, 3,281 करोड़ अभी 3,949 करोड़ की है।
और इसका जो CWIP है यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 357 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है 3739 करोड़, 5625 करोड़, 6609 करोड़, अभी 6958 करोड़ की है। और इसमें जो प्रमोटर हैं उनकी जो होल्डिंग है 27.20% की काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। और जो FII है उनकी जो होल्डिंग है इसमें काफ़ी अच्छी है, वो 22.52% की इसमें बनी हुई है। और जो DII है उनकी जो होल्डिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो लगातार अपनी होल्डिंग को ये बढ़ाने लग रही है, अभी 10.36% की उनकी होल्डिंग है। तो देखिए अभी जो ये स्टॉक है ये अभी 415 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हो गए हैं, इसकी जो टोटल एसेट वो लगातार बढ़ने लग रही है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये। तो देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और चाहे आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अभी और भी करेक्शन हो सकता है। और जैसे ही आपको जो ये स्टॉक है 310 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तब आप इस स्टॉक में अपनी बाइंग को बनाना स्टार्ट करें। और अगर आप इसको एक अच्छे प्राइस के ऊपर बाय करके अगर आप इसको 1 से 2 सालों तक भी होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। एक बहुत ही फंडामेंटल एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक अच्छा बिजनेस अभी जो ये कंपनी करने लग रही है। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाए। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। सो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।